द बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल आरजे रौनक, जो अपने प्रैंक के लिए जाने जाते हैं, अपने ह्यूमर, अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं, और अलग अलग टॉपिक्स पर बेहतरीन डिजिटल कंटेंट तैयार करने वाले आरजे रौनक। क्या आरजे, कैसे हो भैया? रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूँ और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूँ, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारे रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहाँ पर रेडियो का मैं इकलौता हूँ आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। सो बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूँ कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है। सर, नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। और बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रही है श्रद्धा, जिन्हें ये मशहूर है अय्यो श्रद्धा के नाम से। आप अलग अलग भाषाओं में कॉमेडी प्रस्तुत करती हैं, हास्य कलाकार। दैट्स श्रद्धा। अय्यो श्रद्धा से मेरा दोबारा मिलने का मौका मिला है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और ये पुरस्कार ये एक्नॉलेज करता है कि जो लोग घर में एक स्मार्टफोन के जरिए कंटेंट बनाते हैं वो भी एक स्किल है। ये एक्नॉलेज करता है ये पुरस्कार, इसका बहुत 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 धन्यवाद। देश में अक्सर सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक वजहों से परिस्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि इसमें अगर एक ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू या हास्य रस मिलाया जाए तो एक पॉजिटिविटी फैलाई जा सकी जो भी परिस्थिति हो। आई थिंक हमारे देश के लोग इतने प्यारे हैं कि परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, हम हर चीज़ में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं, और मैं अपने कंटेंट से ये वजह दर्शाने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार से सब्जी कितनी बढ़िया क्यों ना लाए, उसमें जब तक तड़का नहीं लगता है ना, टेस्ट नहीं आता है। तो ये हास्य की चीजें जो है वो तड़का का काम करती है जिंदगी में। और आज आपकी स्पॉन्टेनिटी ने सबको फ्लोर कर दिया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। And now, let's recognize Disruptor of the Year Award, स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया। We know him as Beer Bison. He focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his The Ranveer Show. बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? तो योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं सर, मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी आप, मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछा, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में
पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूँ आज, क्योंकि मैं उसका भुक्त भोगी हूँ। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूँ, मैं बहुत कम सोता हूँ और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है, कभी उस पर सोचिए ना। जी जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां हैं, नहीं हो पाती तो नींद, योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। ऑल द बेस्ट। और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर जिन लोगों ने डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया, उनमें से चुने गए स्वच्छता एम्बेसडर हैं मल्हार कलांबे, अ नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट जो 2017 से प्रति सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाते रहे हैं, स्वच्छता और सतत विकास को लेकर जागरूकता भी फैलाते रहे हैं। दैट्स मल्हार कलांबे। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। इस पुरस्कार के लिए शुक्रिया। मैं बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। हम पिछले 6.5 साल से मुंबई में स्वच्छता मुहिम चला रहे हैं, आप ही से प्रेरणा लेके। पिछले 6.5 सालों में हमने 500 से ज़्यादा क्लीनअप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की है, 80 लाख किलो से ज़्यादा कचरा मुंबई से साफ किया है। बट इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों को कचरा उठाने में शर्म आती है, लज्जा लगती है। कई लोगों ने मुझे कचरे वाला तक कहा है, बट मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने युवकों को बड़ी प्रेरणा दी है, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज उनके साथ जुड़ती हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, ऐसा नहीं टोकनिज्म करते हैं, और उन्होंने एक वातावरण बनाया है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा बट सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा, आपने अंकित भैया के साथ लास्ट ईयर स्वच्छ भारत दिन के दिन क्लीनअप किया था, ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीनअप कर पाऊँ। वाह, थैंक यू, थैंक यू। जरूर जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है, इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। और हमारे देश की समृद्ध फैशन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए